शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 22 सितंबर खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार पहुंचे सोनू सूद लिट्टी चोखा देख खुद को नहीं कर पाए कंट्रोल। G20 सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों को भेंट की जाएगी मुजफ्फरपुर की लहठी। निकाय चुनाव से संबंधित शिकायतों के लिए एक्टिव हुआ टोल फ्री नंबर। राजू श्रीवास्तव के निधन पर नेता से लेकर अभिनेता सभी ने व्यक्त किया शोक। भारत के इस स्टार बल्लेबाज ने सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाज बनने की ओर बढ़ाया एक और कदम। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SSC ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2022 के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 के द्वारा विभिन्न पदों के कुल मिलाकर 20,000 संभावित रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। सीएम की अध्यक्षता में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा बैठक। एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बीते दिन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्यमंत्री का फोकस जल जीवन हरियाली कार्यक्रम पर था। इसके साथ ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से जुड़ी अन्य योजनाओं पर चर्चा हुई। अन्य चर्चाओं के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे आरके सिन्हा की। 22 सितंबर यानी आज के ही दिन 1951 में बिहार के बक्सर में जन्मे रविंद्र किशोर सिन्हा, जिन्हें आरके सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अरबपति व्यवसायी, राजनीतिज्ञ और पत्रकार हैं। वह भारत और ऑस्ट्रेलिया के एक निजी सुरक्षा समाधान प्रदाता, सुरक्षा और खुफिया सेवाओं के संस्थापक भी हैं। आरके सिन्हा राजनीति विज्ञान और कानून से स्नातक कर रखे हैं और उन्होंने एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सेवानिवृत्त सैनिकों की मदद के लिए सुरक्षा और खुफिया सेवाएँ बनाईं। सिन्हा को 2014 में भारतीय उच्च सदन में संसद सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा के लिए चुना गया था। राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस आज से 29 सितंबर तक रहेगी रद्द। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार से आसनसोल और टाटानगर के रास्ते छत्तीसगढ़ के दुर्ग जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस 22 सितंबर यानी आज से 29 सितंबर तक रद्द रहेगी। आपको बता दें कि रायगढ़ और झरसुगुड़ा के बीच चौथी लाइन को जोड़ने का काम शुरू होना है। इस वजह से साउथ बिहार एक्सप्रेस 22 से 29 सितंबर तक रद्द रहेगी। इस रास्तों पर साउथ बिहार के अलावा कुल 7 ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा, जिनमें ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस, पुणे हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस, टाटानगर इतवाड़ी एक्सप्रेस, टाटा बिलासपुर एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस, शालीमार कुर्ला और दुरंतो एक्सप्रेस भी शामिल है। और भी कई ट्रेनें हैं जिनका रूट बदलकर परिचालन किया जाएगा। G20 सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों को भेंट की जाएगी मुजफ्फरपुर की लहठी। 15 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन होने वाला है, जिसमें अगले साल भारत को इस सम्मेलन की जिम्मेदारी सौंपी जानी है। वहीं इस सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए राष्ट्राध्यक्षों को मुजफ्फरपुर की लहठी के साथ साथ हस्तकला से जुड़े अन्य उत्पाद भेंट किए जाएंगे। इसको लेकर उद्योग विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर की लहठी को केंद्र सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में शामिल किया है, जिसके बाद विदेश मंत्रालय के स्तर से मुजफ्फरपुर की लहठी को G20 सम्मेलन में ले जाया जाएगा। बिहार पहुंचे सोनू सूद लिट्टी चोखा देख खुद को नहीं कर पाए कंट्रोल। गरीबों के मसीहा बन चुके बॉलीवुड सुपरस्टार सोनू सूद बीते दिन बिहार दौरे पर आए। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही बिहार का लिट्टी चोखा उन्हें ऐसे आकर्षित किया कि वो कार की छत से बाहर निकलकर ही इसका स्वाद लेना शुरू कर दिया। वहीं सोनू सूद के स्वागत में सैकड़ों लोग एयरपोर्ट के बाहर जमा हुए। सोनू सूद के इस तरह लिट्टी चोखा खाने का अंदाज फैंस को काफ़ी पसंद आया। जानकारी के मुताबिक सोनू सूद बिहार बापू सभागार में एक फैशन शो में शिरकत करने आए। इस दौरान उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर उतरने के बाद ही लिट्टी चोखा का स्वाद लेना चाहा।
भीम बांध वन्य अभ्यारण्य में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। भीम बांध बिहार का एक सुंदर पर्यटक स्थल है। घने जंगलों के बीच स्थित भीम बांध से सुंदर मनोहर पहाड़ियां मन को मोह लेने वाली प्राकृतिक वादियां हैं। मुंगेर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर गहरे खड़गपुर जंगल के अंदर यह सुंदर स्थान है, जिसमें तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा एक प्राकृतिक झरना है। महाभारत के अनुसार पांडवों में से एक भीम ने यहाँ बांध बनवाया और इसलिए इसे भीम बांध भी कहा जाता है। यह बांध गर्म पानी के स्रोत के लिए जाना जाता है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ यह मुंगेर की दक्षिणी सीमा में 56 किलोमीटर, जम्मूई रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर और पटना हवाई अड्डे से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीम बांध गंगा नदी के दक्षिण में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारे पर और संथाल परगना के पश्चिम में स्थित है। यह चारों ओर से घनी आबादी वाले नॉन फॉरेस्ट्री क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तेजस्वी का कमिटमेंट, अकेले अपने विभाग से देंगे 1.5 लाख रोजगार। बीते दिन रोजगार को लेकर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी और ऐलान किया कि सिर्फ अपने विभाग से वो युवाओं को 1.5 लाख रोजगार देंगे। मालूम हो कि तेजस्वी यादव के पास 4 विभागों की जिम्मेदारी है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, पथ एवं परिवहन विभाग, शहरी विकास और आवास विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग शामिल है। जिसके बाद बीते दिन तेजस्वी यादव ने एक बड़ा कमिटमेंट करते हुए कहा कि वो अकेले अपने विभागों से 1.5 लाख रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी विभागों को कहा गया है कि रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरें। क्या 3 सालों का सूखा खत्म कर पाएंगे पटना पायरेट्स? प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का इंतजार कर रहे फैंस के लिए अहम खबर है। प्रो कबड्डी लीग का 9वां सीजन आगामी 7 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इस सीजन प्रो कबड्डी लीग के लिए पटना पायरेट्स की कमान राइट कवर डिफेंडर नीरज कुमार को सौंपी गई है। बता दें कि पटना पायरेट्स अपने खेले गए प्रो कबड्डी लीग के सीजन में 3 में जीत दर्ज की है। पटना पायरेट्स ने ये जीत लगातार 3रे, 4थे और 5वें सीजन में दर्ज की थी। अफसोस, पिछले 3 सीजन से पटना पायरेट्स अपना दबदबा नहीं बना पा रही है। हालांकि नीरज कुमार की कप्तानी में पटना पायरेट्स से बिहारी फैंस को काफी उम्मीदें हैं। मैच आगामी 7 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। राजू श्रीवास्तव के निधन पर नेता से लेकर अभिनेता सभी ने व्यक्त किया शोक। कॉमेडी किंग कहे जाने वाले गजोधर भैया के नाम से मशहूर राजू श्रीवास्तव अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। बिहार में वो लालू यादव की मिमिक्री के लिए भी काफी चर्चे में रहे। राजू श्रीवास्तव ने कहा था कि लालू जी, आप देश से ज्यादा हम हास्य कलाकारों के काम आते हैं। हमारे इनकम से के सोर्स लालू जी हैं। इतने मजाक के बावजूद लालू प्रसाद ने कभी उनका बुरा नहीं माना। इस दौरान उनके निधन पर बिहार में भी उनके फैंस काफी गमगीन हैं। राजू श्रीवास्तव के निधन पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल सहित कई नेता अभिनेता ने शोक व्यक्त किया। निकाय चुनाव से संबंधित शिकायतों के लिए एक्टिव हुआ टोल फ्री नंबर। निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के कॉल सेंटर एक्टिव कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सोन भवन स्थित मुख्यालय परिसर में इस कॉल सेंटर को स्थापित किया गया है। निकाय चुनाव से जुड़ी किसी भी समस्या की शिकायत करने के लिए आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक यहां कॉल कर सकते हैं। यहां कोई भी व्यक्ति या मतदाता अपने सुझाव एवं शिकायतें भी दर्ज करा सकेगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-3457-2431 जारी कर दिया गया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान के दौरान जिला स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा संचालित किए जाएंगे। इसके बाद जिला स्तर पर भी मतदाता अपनी शिकायतें दर्ज करा पाएंगे। बिहार डीजीपी की अध्यक्षता में 5 राज्यों के डीजीपी के साथ हुई बैठक। बिहार डीजीपी की अध्यक्षता में बीते दिन ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन हुई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के डीजीपी ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन की बैठक में जुड़े। इस बैठक का उद्देश्य राज्यों में सक्रिय नक्सली समस्या के निराकरण के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करना और अपराध नियंत्रण पर चर्चा करना रहा। इसमें बॉर्डर पर सूचनाओं के आदान प्रदान से जुड़े विषयों पर भी बातचीत की गई। दरअसल बिहार और झारखंड सहित 5 राज्यों के कई मोस्ट वांटेड नक्सली और अपराधी दूसरे राज्यों में शरण लेकर वहां से आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। इसी को देखते हुए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण रहा।
मतदान के दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा कर दी जाएगी सील। बिहार में निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अहम फैसला लिया है। बता दें कि बिहार में निकाय चुनाव में निष्पक्ष, स्वतंत्र और भयमुक्त ढंग से चुनाव कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील कर दिया जाएगा। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र जारी कर निर्देश दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि निकाय चुनाव में मतदान वाले दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील रहेगी। मालूम हो कि बिहार में निकाय चुनाव दो चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण का मतदान 10 अक्टूबर को होना है। मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर जारी किया अलर्ट। बिहार में मॉनसून अब विदाई ले रहा है। इस दौरान बिहार के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञानियों की माने तो राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भागों के सभी जिलों के एक या दो स्थानों पर वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आपको चेतावनी दी जाती है कि खराब मौसम में घर से बाहर निकलने से परहेज करें। ज़्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। वज्रपात की वजह से ना जाने अभी तक कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसे में ज़्यादा जरूरी तभी घर से बाहर निकले। मौसम विभाग के अनुसार आज गया, रोहतास और उसके आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। राजस्व विभाग के 2500 रिक्तियों पर भर्ती के लिए जल्द जारी होगा विज्ञापन। भूमि राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण के लिए करीब 2500 कर्मचारियों और अधिकारियों की बहाली प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है, जिसमें संविदा पर 226 विशेष सर्वेक्षण लिपिक, 240 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो तथा सबसे अधिक 1944 पदों पर विशेष सर्वेक्षण अमीन की बहाली की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 4235 राजस्व कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा से कहा गया था कि भूमि सर्वे सेटलमेंट का कार्य 2 साल के अंदर हो जाना चाहिए। इसके लिए यदि बहाली करनी पड़े तो देरी मत कीजिएगा। इसके बाद ही यह फैसला लिया गया है। अब सुशील मोदी पर रामानंद यादव ने किया मानहानि का केस, 23 को होगी सुनवाई। खेतान मार्केट को सुशील मोदी की संपत्ति बताने के बाद खनन मंत्री रामानंद यादव पर सुशील मोदी ने मानहानि का केस दर्ज किया। अब इसके उलट रामानंद यादव ने सुशील मोदी पर मानहानि का केस ठोक दिया है। बता दें कि राज्य के खनन मंत्री डॉक्टर रामानंद यादव ने भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया है। पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में ये केस दर्ज किया गया है। इससे पहले सुशील मोदी ने रामानंद के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल किया था, जिसकी अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। भाजपा का तंज, नीतीश जी क्रेडिट जीवी हैं। मालूम हो कि बीते मंगलवार 20 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व विभाग में चयनित करीब 4235 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस पर भाजपा ने राजनीति शुरू कर दी है। दरअसल भाजपा का कहना है कि नियुक्ति प्राप्त कर चुके कर्मियों को दोबारा नियुक्ति पत्र देकर मुख्यमंत्री क्रेडिट जीवी बन रहे हैं। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश जी अब अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए झूठ और फरेब का सहारा भी लेने लगे हैं। क्रेडिट जीवी बनने के फेड़ में राजस्व विभाग के पहले से नियुक्त 4235 कर्मचारियों को दोबारा नियुक्ति पत्र बांटकर इन्होंने जिस तरह से बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, उससे इनकी बची खुची साख भी अब राख हो गई है। लालू यादव ने कहा, आरएसएस और भाजपा से हमारी पुरानी दुश्मनी है। लंबे समय के बाद किसी मंच से एक बार फिर से लालू यादव विपक्ष भाजपा पर खूब गर्ज रहे हैं। आरजेडी राज्य परिषद की बैठक में पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि दंगाइयों यानी भाजपा के सामने सभी पार्टी झुकी हुई हैं, लेकिन मैं अब तक नहीं झुका। लालू यादव ने कहा कि अगर मैं उनके आगे झुक जाता तो शायद मुझे जेल नहीं जाना पड़ता, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी मैं अपनी बातों पर कायम रहा। लालू यादव इतना पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आरएसएस बीजेपी से हमारी पुरानी दुश्मनी है। वे लोग हमें झुकाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं झुका और ना झुकने वाला हूँ। लालू यादव ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और इस बार 2024 में बीजेपी को धूल चटा कर रहेंगे। इस दौरान उन्होंने इशारों में प्रदेश के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को गुरु मंत्र भी दिया। उन्होंने तेजस्वी के सामने बताया कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब कैसे लोगों से मिलते थे और उनसे कनेक्ट करते थे। तेजस्वी को सत्ता सौंपने के अटकलों पर जदयू ने दी सफाई। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तभी से कई तरह की अटकलबाजी चल रही है, जिसमें से एक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलना भी शामिल है। तेजस्वी को बिहार की सत्ता सौंपने की अटकलें तेज हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह बात
कि वे युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उन्हें आगे देखना चाहते हैं, जिसके बाद लोगों की शक की निगाहें और भी चमक गई। वहीं जदयू ने इस पर सफाई दी है। नीतीश सरकार में मंत्री और जदयू नेता श्रवण कुमार ने कहा कि सीएम का संकेत किसी एक व्यक्ति की ओर नहीं था, तेजस्वी बगल में खड़े थे इसलिए उन्होंने हाथ से उनकी ओर इशारा कर दिया। उनकी जगह कोई और होता तो उनकी ओर इशारा कर देते। उनका किसी एक शख्स से मतलब नहीं है, बल्कि वे पूरी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पूर्व उद्योग मंत्री ने बताया, अमित शाह के बिहार आगमन से क्या होगा बदला। बिहार सरकार को कड़ी टक्कर देने और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिगुल फूकने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जहां सीमांचल के इलाके में उनका भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने गृह मंत्री के सीमांचल दौरे को बिहार के लोगों के हित में बताया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह 23 सितंबर को पूर्णिया आ रहे हैं। गृह मंत्री के सीमांचल दौरे से क्षेत्र में पनप रहे अपराध, आतंकवाद और अलगाववाद को करारी चोट पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में इतने अपराध हो रहे हैं कि ऐसे में गृह मंत्री के दौरे से सूबे में कानून के राज को मजबूती मिलेगी। गृह मंत्री के दौरे से सीमांचल और उसके आस पड़ोस के कई इलाकों में विकास की गति तेज होगी। मोदी कैबिनेट ने लिया ये 3 बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते दिन कैबिनेट की बैठक हुई। बता दें कि मोदी की अध्यक्षता वाली इस कैबिनेट मीटिंग में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद केंद्र के फैसले की जानकारी देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सोलर PV मॉड्यूल TRANS-2 के लिए PLI स्कीम को मंजूरी दी है। इसके लिए 19,500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही 14 क्षेत्र में PLI स्कीम लाई गई है। अनुराग ठाकुर ने आगे बताया कि कैबिनेट की बैठक में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच की लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र की पहल पर युद्ध विराम हुआ था। 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका और फ्रांस की 10 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए थे। 2011 में भारतीय योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में शहरों में 965 रुपये और गाँवों में 781 रुपये प्रति महीना खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब मानने से इनकार किया था। 1539 में पहले गुरु नानक देव जी का पंजाब के करतारपुर में निधन हुआ था। इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। 1791 में भौतिक विज्ञानी और रसायन शास्त्री माइकल फैराडे का निधन हुआ था। 1991 में भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री दुर्गा खोटे का निधन हुआ था। भारत के इस स्टार बल्लेबाज ने सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाज बनने की ओर बढ़ाया एक और कदम। भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाज बनने की ओर फिर से एक बार कदम बढ़ाया है। ICC की ताज़ा T20I बल्लेबाजों की रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव ने एक पायदान की बढ़त बनाई है, जिसके बाद वो तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 780 रेटिंग के साथ पाकिस्तान के कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि टॉप पर पाकिस्तान के ही मोहम्मद रिजवान हैं, जिनके 825 रेटिंग पॉइंट्स हैं। नंबर 2 पर 792 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम का नाम है। बाबर आजम नंबर 3 से खिसक कर नंबर 4 पर पहुंच गए हैं। टॉप 10 में सूर्य कुमार यादव के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं है। टीम इंडिया के कप्तान और दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा 14वें पायदान पर खड़े हैं। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे टोल टैक्स के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पत्रकारों को टोल टैक्स नहीं लगने के बारे में। दरअसल PIB ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि एक व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत के सभी टोल प्लाजा पर पत्रकारों को टोल टैक्स पर छूट मिलेगी, जिसके लिए ID कार्ड दिखाना आवश्यक होगा। PIB ने इस दावे को फर्जी बताया है। ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। YouTube लेकर आ रहा है मोबाइल और वेब के लिए नया वीडियो पेज। गूगल के स्वामित्व वाला YouTube एक नया वीडियो पेज शुरू करने जा रहा है। पिल शेप बटन और गोल UI एलिमेंट्स पर काफ़ी ध्यान दिया गया है, जो Android, iOS और वेब पर रोल आउट किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें मोबाइल के लिए लाइक और डिसलाइक आइकन को एक ही पिल में जोड़ा जाएगा, जिसमें दोनों के बीच एक डिवाइडिंग लाइन होगा। इसके साथ ही शेयरिंग, मेकिंग शॉर्ट्स के लिए और डाउनलोडिंग जैसे अन्य विकल्पों के लिए नए आइकन मिल सकते हैं। YouTube एक एम्बिएंट मोड जोड़ने पर भी विचार कर रहा है, जो वीडियो के रंगों को प्लेयर से और आसपास के क्षेत्र में फैलाएगा।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है पवन कुमार पंडित, एम एस अंकुश, दीपक कुमार, उदय कांत यादव, रंजीत सिंह, विकास यादव, कुश कुमार यादव, गोपाल भगत, विशाल कुमार, अभय कुमार सिंह, शंकर मुखिया, आनंद कुमार, अमित कुमार और विशाल कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र की पुलिसिंग व्यवस्था कैसी है, साथ ही अपने क्षेत्र का नाम कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।